वाराणसी में आयोजित हुआ सीएनजी बोट रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय काशी के रंग ऊर्जा के संग चल रही थी, उनको सीएनजी पे कन्वर्ट करने का एक भारत सरकार के द्वारा काशी के नमो घाट पर आयोजित सीएनजी बोट रैली में हिस्सा लेने आए केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, वाराणसी में गंगा किनारे दूसरा सीएनजी टर्मिनल वाराणसी के रविदास घाट पर बनेगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार से जमीन सहित अन्य औपचारिकताएं पूरी होते ही पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से कार्य शुरू कर दिया जाएगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन भारत के G20 की अध्यक्षता के दौरान बेंगलुरु में 6 फरवरी से 8 फरवरी तक ग्रोथ कैलिब्रेशन ट्रांजिशन विषय के अंतर्गत किया जा रहा है। इसी के तहत लोगों को ऊर्जा और सीएनजी के प्रति जागरूक करके उद्देश्य से वाराणसी में सीएनजी बोट रैली का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि हाल के वर्षों में वाराणसी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृष्टिकोण के तहत अपने स्वर्ण युग का उत्थान देखा है। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर और वाराणसी के विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक घाटों के जीर्णोद्धार विकास जैसे प्रयासों ने हमारी विरासत और सांस्कृतिक केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे साथी और सहयोगी रमेश्वर तेली जी और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्री अनिल कुमार शर्मा जी, मेरा सौभाग्य है कि ये जो इंडिया एनर्जी वीक जो फरवरी 6 से 8 तारीख को बंगलुरु में ऑर्गेनाइज हो रही है, उसके लिए आज ये जो रन अप इवेंट है, हम काशी में यहाँ पे आपके साथ ये बोट रेस जो है सीएनजी फ्यूल से की बोट रेस है, आपको मैं याद करवाना चाहूंगा आपको कि हम ट्रेडिशन को मॉडर्निटी में कैसे ला रहे हैं। हमारे एनर्जी सेक्टर में भी मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंस है, इस समय हमारी रिफाइनिंग कैपेसिटी शायद 252 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है, उसको हम 400 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम पे ले जा रहे हैं। हम जो ग्रीन एनर्जी पे काम कर रहे हैं, ग्रीन हाइड्रोजन पे खास करके, ट्रेडिशनल जो कंपनीज है IOCL की 11 रिफाइनरीज में मुझे शायद बताया गया कि 2 में तो आप कर रहे हैं और बाकियों को भी आप ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ ले जा रहे हैं। अर्बन सेंटर से बहुत सारे हमारे चीनी मिले हैं, बहुत सारे बगास का और इस सब का हमारा जो एग्रो बेस है, उत्तर प्रदेश मेनली एक एग्रेरियन बेस है और इतना बड़ा हमारा अर्बन एरिया है, उसमें CBG बनाने का, इथेनॉल बनाने का, बायोफ्यूल बनाने का बहुत सारा स्कोप है। जो आपने बनारस के CBG प्लांट की बात की और ऐसे अन्य भी हैं, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा, उत्तर प्रदेश में भी अन्य 4-5 जगहों पे बन रहे हैं या तो फंक्शनल हो गए हैं, वो सब भी हमारे राजाप पे हैं। उन सबको ध्यान में लेते हुए हम आगे बहुत ही बायोफ्यूल की दिशा में बहुत अच्छे से काम करना चाहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी को भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इंडिया में अगर कोई राज्य और अच्छा करेगा तो उत्तर प्रदेश, क्योंकि हमारा बायोफ्यूल का बेस बन रहा है। आप सब मित्रों के संबंध और सम्मान के साथ आधुनिक जीवन और पर्यटन के विकास को जोड़ा है। उन्होंने कहा कि वाराणसी के परिवर्तन और ऊर्जा परिवर्तन और ऊर्जा सुरक्षा के लिए भारत की रणनीति के बीच एक समानांतर रेखा के लिए आभारी हूं। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री की चाह थी कि वाराणसी के नाव डीजल की जगह CNG से चले। आज बताते हुए खुशी हो रही है कि वाराणसी में 580 नावें CNG में तब्दील हो गई हैं। डीजल की तुलना में CNG अधिक कुशल ईंधन होने के कारण नाविकों के लिए महत्वपूर्ण बचत होती है। CNG डीजल की तुलना में 18% ज़्यादा माइलेज देती है। नाविक समुदाय ने इसका उपयोग कर अधिक रुपए की बचत की है। उन्होंने कहा कि वाराणसी में नाव अभी CNG से चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व गुरु बनने की दहलीज पर खड़ा है और प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत विजन की बदौलत आज़ादी के 100वें वर्ष में इसके $26 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था
बनने का संभावना है। भारत ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए और 2070 तक शुद्ध कार्बन शून्य प्राप्त करने के लिए चार आयामी रणनीति के माध्यम से कार्य कर रहा है। इसमें ऊर्जा आपूर्ति का विद्युतीकरण, वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ाने के लिए जैव ईंधन, इथेनॉल, CBC और सूर्य नूतन सोलर कुकटॉप पर कार्य करना, भारत के एक्सप्लोरेशन और उत्पादन फुटप्रिंट को बढ़ाना और हरित हाइड्रोजन पर काम करना है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि CNG से चलने वाले नावें न केवल वाराणसी में आने वाले निवासी नाविकों और पर्यटकों के लिए स्वस्थ हवा देती है, बल्कि यह हमारी पवित्र गंगा नदी और इसके पारिस्थिति तंत्र और समुद्री जीवन के डीजल के रिसाव के जोखिम से भी बचाती है। CNG इंजन प्रति किलोमीटर चलने पर डीजल संचालित इंजनों की तुलना में 18-20% कम CO2 कार्बन उत्सर्जन करता है। इसके परिणाम स्वरूप वातावरण में प्रति वर्ष 216 टन CO2 उत्सर्जन कम हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि PNG घरेलू कनेक्शन 2014 में 22.28 लाख से बढ़कर 2022 में 1 करोड़ से अधिक हो गए हैं। CGD कवर जिलों में संख्या 2014 से 66 से 9 गुना से अधिक बढ़कर 2022 में 630 हो गई है। भारत में CNG स्टेशनों की संख्या 2014 में 743 से बढ़कर 2022 में 4,900 हो गई है। इसी तरह देश के अंदर 2014 में 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन का विस्तार था, अभी 23,000 किलोमीटर तक पाइपलाइन का विस्तार हो गया है और आने वाले समय इसे 34,000 किमी तक ले जाने का प्लान है। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वरम तेली ने कहा कि वाराणसी में गंगा पर यह CNG बोट रैली दुनिया के लिए भारत की संस्कृति, विरासत और ऊर्जा परिवर्तन का प्रदर्शन है। नावों में CNG का उपयोग होने से नाविकों का जीवन स्तर सुधर ही रहा है, साथ में मां गंगा के साथ प्रकृति के लिए बेहतर साबित हो रहा है। उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने नावों को CNG में तब्दील करके सहित पेट्रोलियम और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में राज्य में किए गए कार्यों के लिए धन्यवाद दिया और भविष्य की योजनाओं के लिए हर संभव सहयोग उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। भगवान महादेव है, जितना पुराना उनका त्रिशूल है उतनी पुरानी काशी है। काशी का को वेदों से भी लिंक करना मेरे ख्याल है तो भाई सबसे पुराना वही दस्तावेज है अपने पास, लेकिन काशी के कितना पुराना होने का शायद वर्णन कर पाना मुश्किल है। लेकिन आधुनिक भाषा में अगर कहें तो मैं जो मार्क ट्वेन की एग्जैक्ट लैंग्वेज मुझे मिल गई है हमारे माननीय मंत्री जी के PS के सहयोग से, तो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है, मार्क ट्वेन सेड बनारस इज ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर इवन देन रीजन एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड एज ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। ये मार्क ट्वेन ने सर एग्जैक्ट वर्ड्स इसके हैं। तो आप सबका काशी में स्वागत है और माननीय मंत्री जी की कृपा से आप सबसे मिलना हुआ, बहुत अच्छा लगा। एक और काशी के बारे में कहावत है, दो बातें मैं करूँगा, एक तो उसमें से मुक्ति और जो अपने कर्म बंधनों में मानने वाले लोग हैं, ज़्यादातर तो मानने वाले लोग ही यहाँ होंगे, उसके बारे में भी ऐसा कहा जाता है कि गंगा तव दर्शनात् मुक्ति, गंगा आपके दर्शन मात्र से मनुष्य को मुक्ति मिल जाती है जन्मांतर के पापों से। कहीं कहीं तो ये भी कहा गया है कि वाराणसी काशी में से आने मात्र से आपके पाप हो जाते हैं, आपके पाप कट जाते हैं। इतना इस पौराणिक शहर का महत्व है जिसका वर्णन कर पाना सच में बहुत मुश्किल है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले तो अरविंद जी का दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज आपकी स्टेट की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग भी थी तो आप उसको छोड़ के हमारे साथ आए, और बाकी तो मैं कह चुका हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ कि वाराणसी में जो काम हो रहा है उसमें हम अपने आप को समझते हैं कि वी आर फॉर्चुनेट कि हम छोटी सी कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें कर पा रहे हैं थ्रू दी ऑयल कंपनीज, वो खिड़किया घाट और बाकी जो डेवलपमेंट है। आगे
मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, मैं ग्रीन एनर्जी पे खास करके जो उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है वो अपने माध्यम से आप उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता तक ले जाएं। ये आज अगर बोट्स जो हैं सीएनजी में कन्वर्ट हुई हैं वो अपने आप में एक छोटा स्टेप है, पर आप पूरे उसको सिस्टम को देखें तो एथेनॉल ब्लेंडिंग 1.4% से 10% से ऊपर चली गई है। 2030 का टारगेट था हमारा एथेनॉल ब्लेंडिंग का 20% का, वो 2025 तक करने वाले हैं। जो अप्रैल 2023 तक हमने वो E20 ब्लेंडेड फ्यूल लाना था वो जनवरी के महीने में लाने वाले हैं। और जो उत्तर प्रदेश की बायोफ्यूल पॉलिसी के बारे अरविंद जी ने आपको बताया उसको आप देखें, और उसमें जो काम ऑलरेडी हो रहा है और आने वाले उसका पोटेंशियल है। मेरी सिर्फ आपसे ये निवेदन है कि ये जो प्रोग्रेस है ये आप अपने दर्शकों के सामने, उत्तर प्रदेश की जनता और भारत की जनता के सामने रखें। और एक और रिक्वेस्ट है, जब बंगलुरु में 6 से 8 फरवरी को ये इंडिया एनर्जी वीक मनाया जाएगा आप सबको वहाँ आना चाहिए, हम आपका स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डायरेक्टर व्यापार विकास गेल इंडिया लिमिटेड, ये हम लोग गेल जो है सीएनजी बोट जितनी डीजल पे बोट चल रही थी उनको सीएनजी पे कन्वर्ट करने का एक हम लोगों ने मुहिम छेड़ी थी, तो लगभग 600 बोटों को हम लोग अभी तक कर चुके हैं और बाकी कुछ बोटें उनको भी करेंगे। इससे काफ़ी फ़ायदा होगा बोटों को, एक तो डीजल से पोल्यूशन ज़्यादा होता है बचेगा, और ज़्यादातर जो है सीएनजी की प्राइस डीजल से कम होती है, और उनको भरने के लिए भी यहाँ पे नदी में मिल जाएगा, जो पहले कहीं से लाते तो किसी तरह से डब्बे में, और तो वो सब फ़ायदे उनके होंगे और साफ रहेगा और उससे सेफ रहेगा डीजल से चलाने के लिए। सर नाविकों बात करें काशी की, तो काशी ही क्यों मतलब पहले रहा, इलाहाबाद भी हो सकता था, मथुरा भी हो सकता था, तमाम अयोध्या भी हो सकता था। हाँ ठीक बात है, काशी में हमारे समझ से ज़्यादा नाविक इस सजेशन के लिए रिसेप्टिव थे, ज़्यादा लोग तैयार थे इसको करने के लिए, तो यहाँ पे पहले हो गया। थोड़ा टाइम लगता है, तो जो डीजल पे इतने से चलाते हैं उनको समझाने में और मानने में, तो उस मुहिम में थोड़ा टाइम लगा, यहाँ के लोग मान गए और यहाँ के कमिश्नरेट ने अहम ली थी कि यहाँ पे हो, तो हुआ यहाँ। पवित्र पावन काशी सदियों से असीमित ऊर्जा का स्रोत रही है, साधु संतों सन्यासियों की ऊर्जा की नगरी काशी, तुलसी रविदास कबीर की ऊर्जा की नगरी काशी, कला संगीत शिल्पियों की ऊर्जा की नगरी काशी, गौतम बुद्ध के ज्ञान की सर्व प्रकाश का आपकी ज्ञान की ऊर्जा और प्रकाश से काशी जगमगाती है और संपूर्ण विश्व को आलोकित करती है। हर ऊर्जा का समागम है यहाँ, यही ऊर्जा लेकर हम अपने ऊर्जा के उद्देश्य को सार्थक करने की दिशा में अग्रसर हैं। काशी के रंग ऊर्जा के संग, काशी के रंग ऊर्जा के संग। Thank you.